मेरा नाम सफदर अली है, मैं गजर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। अच्छा, कहाँ से हो आप? यासीन अच्छा, कितने सालों से हो यहाँ पर स्वीट होम में? 3। 3 साल हो गए। मज़ा आ रहा है यहाँ पर दोस्तों हाँ के साथ? हाँ घर याद आता है? घर याद नहीं आता नहीं आता है, इधर ही ठीक है। है। हाँ अच्छा, आपकी जो यहाँ पर केयर टेकर है वो आपका केयर करती है? हाँ अच्छा, और हैंड वॉश वगैरह भी टाइम पे करते हैं आप? खाना कैसा मिल रहा है? अच्छा होता है। अच्छा, स्कूल में पोजीशन आती है आपकी? कौन हाँ सी? ए ए, जबरदस्त। मेरा नाम साजिता परवीन, माय क्वालिफिकेशन मेट्रिक पास, आई लिव इन दुबई। मैं पाकिस्तान वर्तमान में जॉब करती हूँ, आई एम केयर टेकर। कितने सालों से यहाँ पर तैनात है? 3 सालों से अच्छा, आपके अंडर कितने बच्चे अभी जो है पढ़ रहे हैं आपके पास? मैं 10 बच्चे, अच्छा, 10 बच्चे आपके रूम में पास? 4 है और जी, बाहर केयरिंग 10 है। अच्छा, 10 है। तो उनकी एजुकेशन, क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं आपके ऊपर? मेरे उनकी जिम्मेदारी केयर करना है, और वो स्कूल से आए तो यूनिफॉर्म बदल करवाना है, और उनका हैंड वॉश फेस वॉश, जो छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ मैं बाथरूम जाती हूँ और वो फेस वॉश करते हैं। बाहर आते बाहर आए तो बच्चे आज कौन सी वो सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मैंने उसको चेक करती हूँ। होमवर्क जिसने नहीं किया तो मैंने करवाती हूँ। फिर 1 घंटा कुरान टाइम है, कुरान जाते, कुरान के बाद 1 घंटा गेम डे, मैं उनके साथ गेम करती हूँ। तो फिर आकर फेस वॉश करके हैंड वॉश करके नमाज तैयारी, फिर मैं उनके साथ नमाज से जाना पड़ता है, नमाज से आकर दोबारा रूम रूम आकर लंच के लिए भेजते। अच्छा, और स्टडी वगैरह भी करवाते हाँ हो? स्टडी वगैरह करवाते हैं, उनसे पूछते हैं, अच्छा, कोई बोर होता उनके गोद में बिठा कर प्यार देते हैं, सब कुछ करते हैं सर। अच्छा, होमवर्क वगैरह भी सब कुछ हाँ ट्यूशन? करवाते हैं, क्योंकि हमारा बच्चे है ना सर, परवरदिगार ने हमारा झोली में डाला है। मैं मुजाविर से हूँ। इधर आए मुझे 2 साल, 2 साल हुआ। मैं और खैजर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ता, और मेरा एज 14 साल है। और मेरा नाम शाहिद है, मैं गेदर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं धारल का हूँ। अच्छा, मैं कितने? इधर 3 साल हो गया। अच्छा, यहाँ आपका जो स्वीट होम है इसका माहौल कैसा है? खाना कैसा मिलता है आपको? बहुत अच्छा मिलता है खाना और माहौल भी अच्छा है। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 7th क्लास में पढ़ता अच्छा, और आपके साथ जो वार्डन्स हैं उनका रवैया कैसा है आपके साथ? हूँ, वह बहुत अच्छा है। तो आप खुशी से रह रहे हैं यहाँ पर? खाना वगैरह सही मिल रहा है? ये जी सही मिल रहा है। अच्छा भाई, आप हमें ये बताएगा कि यहाँ पर जो बच्चे रह रहे हैं उनकी तादाद कितनी है और उनको खाने में क्या क्या मिलता है? अच्छा, यहाँ पे ये 3 साल से ओपन APSH पाकिस्तान बैतुल माल के अंडर में चल रही है ये इदारा, ये इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे टोटल अभी हमारे पास 91 बच्चे हैं। इनमें से हमारे पास 71 जो हैं वो अफन्स हैं, अफन बच्चे हैं, और जो अल्ट्रा पुअर हैं वो 20 हैं। अच्छा, और इनको जो इनका मेनू है उनमें क्या क्या मिलता है खाने में? मेनू में हम दे रहे हैं, हाँ, एक पर हर वीक का एक मेनू इधर लगा हुआ है। इसमें हम दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें हम 3 टाइम चिकन दे रहे हैं। तो 2 टाइम हम चिकन दे रहे हैं, 1 टाइम हलीम के साथ चिकन हम दे रहे हैं, हलीम दे रहे हैं, तो चिकन हलीम। तो उसके बाद वीक में 1 दफ़ा हम दे रहे हैं बीफ। अच्छा, किचन में कितने स्टाफ है और हेल्थ एंड हाइजीन की चीज़ों का ख्याल रखा जाता है किस हिसाब से? ये हम एहतियात कर रहे हैं और हाइजीन का ख्याल रख रहे हैं। तो किचन में हमारे पास 2 कुक हैं और 2 कुक हेल्पर हैं और 2 वेटर हैं, और बस ये 6 स्टाफ हैं हमारे।